अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आई हूँ गांव अपनी ज़मीन देखने। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़मीन है जो कि मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करके ली है। तो आज मैं आई हूँ अपनी ज़मीन देखने, और मैं और तलहा और मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर, सब अप्पी लोग, अप्पी के बच्चे लोग सब बहुत खुश हैं। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। गांव का इतना प्यारा प्यारा लुक आ रहा है, सारी फ़ोटोज़ वीडियोस इतनी अच्छी आ रही है, सब बैठे हैं। और आज हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, हमने यहाँ एक छोटा सा पिकनिक की जैसे भी पिकनिक भी मनाया। हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक और समोसे रास्ते से लेकर आए थे जो कि अभी हमने खा लिए हैं। और अब हम लोग सब जगह से, जो भी बहन के बच्चे लोग हैं और सब लोग हैं, भाई लोग, सब लोग हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने भी थोड़ा सोचा व्लॉगिंग कर लूँ। और ये देखिए मेरी ज़मीन है ये, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत जल्द आप लोग की दुआ से, आप लोग के सपोर्ट से मेरा भी घर बन जाएगा। आप देख सकते हैं इधर सारे प्लॉट ही दिख रहे हैं और साइड साइड में थोड़े थोड़े घर भी बन रहे हैं। तो अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कुछ, क्योंकि मुझे ये घर बनवाना है, मेरा ये घर। और जब मेरा ये घर बन जाएगा तो मैं मुंबई से गाँव शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बेटे को गाँव में रखना चाहती हूँ, और मुंबई में तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि जहाँ रोजी रहती है वहीं पर अच्छा लगता है। हस्बैंड तो मेरे वहीं रहेंगे, मेरी वहाँ हस्बैंड की शॉप है तो, लेकिन घर कहीं नहीं है, हम लोग मुंबई में भाड़े के घर पे रहते हैं। तो मेरा बेटा हमेशा बोलता है कि हमारा घर कब बनेगा। तो रात रात जाकर मेहनत कर कर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक गुल्लक में एक एक पैसा जमा करके ये ज़मीन बनाई है, ये ज़मीन खरीदी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन तो हमने ख़रीद ली, अब हमें सिर्फ घर बनवाना है। अगर आप लोग का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मेरा घर भी बन जाएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो दिख रही है यही मेरी ज़मीन है। और सब ने तो थोड़ा थोड़ा बाउंड्री भी कर लिया, अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, क्योंकि जस्ट अभी साल भर हो रहा है हम लोग को ज़मीन लिए, और मैं ज़मीन लेने के बाद साल भर बाद आई हूँ अपनी ज़मीन देखने। और ये आई है समोसा खाने के बाद, अब सब खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा नहीं रहे हैं, पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं। आमिर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए, तो हमारा ज़मीन देखकर हो गया। सबने आज बहुत इंजॉय करे, बच्चे लोग ने, बहन के बच्चे लोग भी आए थे। मैं एक साल बाद मुंबई से आई हूँ तो अपनी ज़मीन देखने। ये ज़मीन मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत किया, रात रात जाकर मैंने सिलाई की, और फिर हम लोग ने गुल्लक में पैसे जमा करके फिर एक ज़मीन ली गाँव में। तो ये ज़मीन देखने के लिए मैं पूरे एक साल बाद आई यहाँ पर। तो जो अप्पी लोग ने भी नहीं देखे थे तो उन लोग को भी लेकर आई थी, और सब बहुत दुआएँ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्दी तुम्हारा घर बना दे, आमीन सुमा आमीन। तो और ये देखिए यहाँ गांव की बच्चियाँ, ये जब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये लोग छुप छुप कर शर्मा कर देख रही हैं। तो मैंने सोचा था कि इनके पास जब मैं जाऊँगी तो उनको वीडियो में ज़रूर लूँगी। इन बच्चियों के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, इतना खुश है इन लोग, और इन लोग को इतना अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, मतलब इन लोग इतना खुश हो रही थी देखकर, हम सब लोग को वीडियोस बनाते हुए इस तरह से देखकर। और ये देखिए टुक टुक की सवारी पे, मैंने अभी आपको बताया सबको बहुत मज़ा आता है, स्पेशली तलहा को और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुंबई में रहते हैं और हमेशा लोकल का सफ़र करते करते एकदम थक चुके थे, बहुत बोरियत होती थी। तो गाँव में जाकर ये सब चीज़ बहुत इंजॉय कर रहे हैं मैं और तलहा, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो प्लीज़ अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। और ये देखिए अब हम लोग घर जा रहे हैं, मगरिब का वक्त हो गया है, तो रास्ता भी इतना अच्छा, हरियाली है, इतना अच्छा लग रहा है देखकर, और बकरियां और ये गाय वगैरह और पेड़ पौधे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मुंबई में बहुत कम देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो और थोड़ी थोड़ी मैं बीच बीच में व्लॉगिंग भी कर रही थी, क्योंकि अप्पी लोग साथ में थी तो हम लोग बातें भी बहुत सारी कर रहे थे, साल भर के बाद मिले थे तो थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग भी साथ में हो रही थी। प्लीज़ 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 सपोर्ट करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय।